कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सम्मान समारोह नहीं है, हमारे सैनिकों की शहादत जो कहीं ना कहीं भुला दी गई उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके हम आ रहे हैं। आप लाइव देखेंगे, एक घंटे का स्किट देखेंगे, वो का लड़ाई शुरू कैसे हुई, वो खत्म कैसे हुआ, भारत ने कैसे विजय हासिल करने के बाद भी दूसरे देश को एक आज़ाद देश बना दिया, उसके ऊपर उसने कब्जा नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इतनी शानदार जीत किसी को हासिल नहीं हुई जिसने एक अलग राष्ट्र बना दिया, उसके ऊपर कब्जा नहीं किया। नहीं तो आप हर युद्ध का देखेंगे कि परिणाम अघोषित रहता, क्लियर नहीं रहता। तो हमारी सेना ने जो शहादत दिया, जो हमारे शहीद हैं उनकी फैमिलीज को भी हमने भुला दिया, तो ये जो भी हमारे वीर हीरोज रहे हैं उनकी कहानी, उनके पीछे जो उनका परिवार है उसने क्या क्या झेला, वो सारी कहानियाँ आपको उस 3 घंटे के कार्यक्रम में 18 मार्च को दिखाई देगा, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस स्टाफ और सेना के बड़े बड़े अधिकारी पूरे भारत से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको वार वेटरन्स भी मिलेंगे जिन्होंने युद्ध लड़ा था और अभी वो हैं, वो आपसे बात भी करेंगे। और ये पूरा 1 महीना चलने वाला कार्यक्रम है, जो वीर नारीज हैं उनके घर पे जाके हमारे एनसीसी के एक कैडेट, एनसीसी उड़ान की टीम जाएगी, उनकी वीडियोस बनेगी, उनकी स्टोरी बनेगी, जो आपके माध्यम से, मतलब आपका ही माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है, जो हमारी बातें दूर दूर तक जाएंगी। तो आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, हर दल से, हर धर्म से, हर जाति से उठ के इस बार देश के लिए कुछ करते हैं। 1971 भारत पाक युद्ध के 50 साल बाद स्वर्णिम विजय वर्ष का साक्षी बनेगा बिहार। 18 मार्च 2023 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में बिहार झारखंड के शहीद परिवारों की वीर नारियों को सम्मान किया जाएगा। इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनकी वीर नारियों को हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए का आर्थिक अंशदान देने का निर्णय भी लिया है। ये हमारा सामूहिक क्या कह सकते हैं, हमारी सामूहिक निर्णय है हमारा। जिनके पतिदेव अपना जान गंवाए हैं भारत पाक युद्ध में, खासकर उनको हम लोगों ने चुना है, जो उस समय जो लड़ाई लड़ी है वह लड़ाई बहुत हम लोग उसको भुला नहीं सकते हैं। और अभी भी आपको दिखाया जाएगा जिस तरह की लड़ाई हुई और जिस तरह से इंडिया की जीत हुई, ऐसा जीत बहुत कभी पहले नहीं हुआ था। जब भी लड़ाई होती है तो अधूरा रह जाता है, लेकिन भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ, उस युद्ध में इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली। और उसमें डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं रहूँगा, जितने आर्मी स्टाफ हैं, जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं सभी रहेंगे, जो एनसीसी वाले लोग हमारे हैं बिहार में सभी लोग रहेंगे। और इस तरह का प्रोग्राम आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ, पूरे देश में कभी नहीं हुआ। वीर नारी प्रोग्राम जिनके बच्चों को, परिवार को प्रोत्साहन, जिनके बच्चे मिलिट्री में जाते हैं उनका प्रोत्साहन, कि भाई हमारे पिताजी का डेथ हुआ, हमारे पिताजी का जो इसमें जान गया लड़ते लड़ते, और इससे क्या इज्जत मिली पूरे देश में, यह बहुत बड़ी बात है। इसको हम लोग सभी देखेंगे। और 1 महीने पहले से ही पूरे शहर में बैनर पोस्टर का ये रहेगा, और यहाँ के भी रहेंगे माननीय, हमारे कुछ मंत्री रहेंगे, हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, बहुत लोग यहाँ के भी रहेंगे, लेकिन हमारे दिल्ली वाले जो है डिफेंस मिनिस्टर जी रहेंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर को बुलाया है, इसमें हमारे ठाकुर साहब रहेंगे और भी लोग रहेंगे, बहुत लोग होते हैं, उसमें हमारे जवान भी शहीद होते हैं, तो उन लोगों के भी परिवार के लोग रहेंगे आगे के दिनों में। जो आपने पीछे बैकड्रॉप पे नहीं देखा, 1970 केवल 1971 की लड़ाई, जिसका जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 50वें साल उस युद्ध के, उस अवसर का ही ये एक कार्यक्रम है, जिसमें बिहार और झारखंड के जो सैनिक जिन्होंने हिस्सा लिया और उनकी वीर नारियां, उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम। सर, तो ये जो सम्मान होगा वो वीर नारी सम्मान ही क्यों, वीर पुरुष सम्मान इसलिए क्योंकि ये शहादत जो उन्होंने, जिनकी शहादत हो गई, तो अब तो उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, वीर नारी ही करेंगी। और आपको बता दें बहुत साफ तौर पे कि ये 1971 के युद्ध के विभीषिका में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए उनके वीर नारियों के थ्रू ही हम उनको याद कर रहे हैं, और उनके अदम्य साहस को, दृढ़ संकल्प को, जिसको देश
या हर कोई समय के अनुसार धीरे 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 भूलता चला जाता है, हम उसको वापस याद करना चाहते हैं और इस इवेंट के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि कभी भी किसी सैनिक का जवान ऐसे ही खाली नहीं जाता, उन्होंने जब भी देश के लिए किया है और युग युगांतर तक उनको याद किया जाएगा। और याद करने का विशेष तरीका क्या होगा, वो तो चले गए तो उनको याद करने का तरीका उनकी विधवाएं हैं जो जिनको हम वीर नारी बोल रहे हैं, उनको वो शब्द इस्तेमाल गलत है, वीर नारी ही उचित शब्द है उनके लिए, फिर उनके बच्चों के थ्रू, ताकि हर देशवासी को ये रहे कि देश के लिए अपनी प्राण को न्यौछावर करने वाले ऐसे ही नहीं चले जाएंगे अंधेरे। तो इस इवेंट के थ्रू हम लोग उनको याद कर रहे हैं और इसीलिए वीर नारियों को ही याद किया। एनसीसी के 17 डायरेक्टरेट हैं पूरे इंडिया में, एनसीसी आपने देख पढ़ा होगा और हम अभी दे भी रहे हैं, तो एनसीसी के 17 डायरेक्टरेट हैं, तो हम बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबके सब एक्स कैडेट हैं, तो हम हमारे राज्य को ही लेके जा रहे हैं, तो बिहार और झारखंड राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग है लेकिन एनसीसी के लिए आज भी एक ही डायरेक्टरेट है, आप पढ़ सकते हैं देख लीजिएगा। इस वजह से हम लोग सिर्फ बिहार और झारखंड को ही लेके कर रहे हैं और हमें रक्षा मंत्री जी से अप्रिसिएशन भी मिला है, उन्होंने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि वीर नारी का सम्मान होता है, कहानी बाहर नहीं आती, लेकिन हमने एक घंटे का स्किट भी तैयार किया है कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्या क्या परेशानियाँ आई, कैसे हमारे वीर सैनिकों ने जीत हासिल की, जीत हासिल करने के बाद भी उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का मौका दिया गया, तो ये चीज़ें जो है ना वो आप सबके सामने आने वाली है। कुल मैत्री की तरफ से आपको बताया और डॉक्टर सहजानंद साहब ने भी बताया, ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं विशेष तौर पे 1971 के युद्ध के में हिस्सा लेने वाले सैनिक या उनकी जो वीर नारी हैं उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो बिहार और झारखंड राज्य से संपर्क रखते हैं। अब ये जो 1971 की जो लड़ाई हुई उसके बारे में आप लोगों को मालूम है, 18 दिन की लड़ाई में एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो आज तक पूरे विश्व में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, ये ना ही विजय प्राप्त किया, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया, बांग्लादेश का निर्माण हो गया, साथ में 35,000 सैनिकों ने 90,000 सैनिकों को कब्जा किया और उन्हें बाइज्जत उनको अपने देश स्वदेश लौटाया, जो यूएन चार्टर के अनुसार जो कैदियों के साथ भी जो सही सलूक करना होता है उसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत ने प्रदान किया। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए बहुत सारे अनजान लोग जो इस युद्ध में हिस्सा लिए वो आपके राज्य के हैं, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उन लोगों को आपको सामने लाना, उनकी शहादत को की कहानियाँ पूरे राज्य को बताने की का उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हम मिलके आ रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग के सहयोग से ये जो संदेश है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार और झारखंड राज्य के वासियों को आपके माध्यम से इसकी जानकारी मिले और इससे अवगत हों और उसमें उनको गर्व महसूस हो। धन्यवाद। कह सकते हैं कि सिविल प्लस आर्मी का गठजोड़ कह सकते हैं कि इवेंट आर्मी स्टाइल में है बट सिविल सोसाइटी मिलके इसको कर रही है और कहीं ना कहीं ये बिहार झारखंड के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्री जी का कंफर्मेशन मिलना और ये कहना कि इस मिलेनियम का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा वीर नारी सम्मान के लिए, बिकॉज पूरे साल भर ये चला है, हर राज्य ने अपने अपने तरीके से किया है लेकिन बिहार झारखंड में ये हुआ ही नहीं था, तो हमें आशा है कि आप लोग के साथ और सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगे और कहीं ना कहीं इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और जो हमारा यूथ जो कहीं ना कहीं हमारे सेना से कटता जा रहा है उनको आईटी बहुत पसंद आ रही है, उनको बाकी सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, तो शायद वो सेना के गौरव और वैभव को देख के वापस उससे जुड़ना चाहेंगे और हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे आर्मी ज्वाइन करें।
नेवी ज्वाइन करें, एयरफोर्स ज्वाइन करें, तो शायद हमारे बीच बैठे हुए कुछ लोगों के अंदर थोड़ी देशभक्ति ज्यादा जाग जाए और वो भी हमारे सहयोगी बन जाए। अभी तक तो हम लोग सब अलग अलग हैं, लेकिन शायद एक मुद्दा तो हो, जब हम एक हो जाएं, तो शायद देश के लिए, मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों के अंदर चल रहा होगा अभी कुछ, ये 6 मिनट 12 सेकंड आपको कहीं ना कहीं तो छुआ होगा, आपके दिल को जरूर छुआ होगा, क्योंकि आज कुछ भी हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास सारी खबरें तुरंत आती हैं। 1971 में तो ऐसी कोई खबर नहीं थी कि सैनिकों को किस परिस्थिति में रहना पड़ता था, कैसे वो घायल होते थे, उनको कैसे ऊपर से लेके नीचे आना है, हमारे पास वाले हाथों ने अपने मंगल सूत्र उतारे हैं। वीर नारी त्याग की मूर्ति, समर्पण का प्रतीक, सम्मान की पराकाष्ठा, देशभक्ति का प्रतिरूप, एक ऐसा नाम जो सदा से सम्मान का पूरक रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम गुलमोहर मैत्री एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर के बिहार और झारखंड निदेशालय के साथ मिलकर आज वीर नारियों का सम्मान कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसका सम्मान करने से सम्मान का सम्मान बढ़ता है, जिनके त्याग की कहानियां इतिहास के कलमकार की कलम में सोने का रंग भरती है और आने वाली पीढ़ियों में भरती है हौसला और हिम्मत का पौधान। तुमने फिक्र से जीवन जिया, उसने फक्र से, तुमने वेतन के लिए काम किया, उसने वतन के लिए, यह सैनिक है भारतीय सैनिक। हम उनकी शहादत और उनके जीवन संग्राम के सम्मान में यहाँ जुटे हैं, तभी यहाँ मौजूद एक एक वीर नारी यह कहती है, मैं वीर भूमि का गर्जन हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं स्वयं समर्पण शौर्य की जीवित कहानी समझाता हूँ, राष्ट्र प्रेम के धागे से हर बिखरे पल को सीता हूँ, मैं हूँ कुरान बाइबल भी हूँ, मैं पूरी भगवत गीता हूँ, मेरा प्रेम राष्ट्र के लिए कभी ना होगा कम, पर रग रग से निकलेगी मेरे वंदे मातरम वंदे मातरम। चाहे ईश्वर ने मुझे कुछ भी दिया है, कुछ भी मुझसे लिया है, अफसोस बस इस बात का कि देश पर मर मिटने के लिए एक ही जीवन दिया है, एक ही जीवन दिया है।
शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा को चरितार्थ कर रहा है और नमन करता है उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपना स्वेद रक्त और संपूर्ण जीवन देकर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी को चरितार्थ किया है। उन सभी वीरांगनाओं को हमारा और राष्ट्र का शत शत नमन।